तो भाई ये देखिए, ये लकवे वाले कबूतर हैं भाई, जो बीमार हो जाते हैं कबूतर, ये वो बीमार कबूतर हैं भाई। इसमें से ये देखिए, ये बच्चा हमारा 00 सीधा हो चुका है भाई, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है लकवा इसका। और लकवे की वीडियो हमने पहले भी डाली भी है कि क्या चीज़ देनी है क्या नहीं, दवाई हमने बताई भी लकवे की भाई। ये बिल्कुल सीधा हो चुका है, तुम्हारे सामने जाल में से निकाला है, देखो ये सब लकवे वाले कबूतर हैं, जितने भी कबूतर हैं ये सब लकवे वाले हैं भाई। और ये बच्चा इनमें बिल्कुल ठीक हो चुका है। आज इसे हम जो हमारे सही कबूतर हैं उनमें वापसी लेके जा रहे हैं। तो इसे ले जाना कैसे, इसके लिए आप क्या क्या करना है आपको, वो स्टेप फॉलो करो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम छोड़ते हैं बच्चे को, ठीक है भाई। ये देखिए भाइयों, ये हमारे नावेद भाई हैं। और ये देखो पहले इसके पंजे धोए जा रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से इसके पंजे वगैरह धोने हैं भाई। वीडियो को पूरा देखना है, इसमें क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है अगर ऐसे ही ले जाकर छोड़ देंगे, पता लगा जो बैक्टीरिया है जो बीमारी है वो इसके साथ चली गई और अंदर जाके और कबूतरों में फैल जाए। तो उसके लिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। देखो कितनी बारीकी से धो रहे हैं हमारे नवेद भाई, ठीक है भाई, इसके पंजे धो दिए हैं बिल्कुल, इसे साफ़ सुथरा करेंगे, दोनों पंजों को धोना है भाई बढ़िया करके। देखिए भाइयों, ये पंजे धुले हैं अभी इसके, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करके धो लेने हैं इसके पंजे भाई, यानी कि हल्का सा भी कुछ ना हो, बढ़िया करके एकदम धो लेना है, ठीक है। नावेद भाई एक काम करो, इसे जो भी है बाकी भी बारीकी से बाद में कर लेना, थोड़ा सा इसमें क्लियर दिखा दो भाइयों क्या क्या करना है हमें इस टाइम। ये पंजे धुल गए हैं भाई इसके, और अब देखो इसे कबूतर को इसकी चोंच अच्छे से धोनी है, बढ़िया करके धोनी है भाई चोंच। पूंछ धोनी है भाई, ये जरूर धोनी है पूंछ, पूंछ को चाहे तो धो लें या फिर काट दें भाई, जितनी पूंछ पीछे से सन्नी है उसे धो लें या काट दें, ठीक है ना, धो भी सकते हो और काट भी सकते हो, अच्छे से धोनी है, अगर धोओगे तो अच्छे से धोनी है, ठीक है। और इसके जो बाजू हैं इसे पानी में ऐसे ही नहला देंगे हम एक बार, लालचीना बच्चा है भाई, ये पंजाबी बच्चा है मलवाई। ठीक है भाई, देखो पूरे कबूतर को हिला दिया है, जिसका बैक्टीरिया है वो सब साफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भाई क्या फॉलो करना है आपको, ये भाई स्प्रे देखो जो हम बताते हैं, ये स्प्रे बनाने का हमने तरीका बताया हुआ है, आप उसी तरीके से बना लें और इस स्प्रे को करनी है भाई इस पर, ठीक है। नवेद भाई करके दिखाओ, ये देखिए स्प्रे हो रही है भाई, इसे अच्छे से कर देनी है बढ़िया करके, पंजों पे, नीचे, बगल में, बाजू खोल के, यानी कि हर तरीके से इस पर स्प्रे अच्छे से कर देनी है। अभी नावेद भाई करके दिखाएंगे, देखना आप किस तरीके से कर रहे हैं नावेद भाई। भाई देखिए जब ठीक हो जाता है तो बहुत से भाई छोड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और होता कुछ नहीं है होने के लिए, ऐसी बात भी नहीं है, मगर पता क्या मसला है भाई, बैक्टीरिया आने में टाइम नहीं लगता है, और जब
एक बार लॉफ्ट में घुस जाए ना तो बड़ी आसानी से निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है निकालना लॉफ्ट में से बैक्टीरिया, और लोग परेशान हो जाते हैं जिनके यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, लकवा ही नहीं, चाहे कोई भी बीमारी हो, जब एक बार वायरस लॉफ्ट में पहुँच जाता है ना, तो भाई ये समझ लीजिए बस फिर उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद नंबर लगा रहता है। तो इसलिए बड़ी बारीकी से आपको करना है। अब ये देखो हमने किस तरीके से किया है, माशाल्लाह इसे स्प्रे भी किया है, पहले से सारे को नहलाया है हमने, साफ़ कराया बढ़िया करके अच्छे से, उसके बाद हमने इसे स्प्रे वगैरह किया है। अब ये तैयार है लॉफ्ट में जाने के लिए, ठीक है। और ये देख लो माशाल्लाह बिल्कुल जीरो जीरो सीधा हो चुका है, और अब ये ऊपर लॉफ्ट में जाएगा सीधा उड़ने वाले में, यहाँ से निकल के इसी तरीके से आप लेके जाएं, ठीक है। डायरेक्ट ले जाके मत छोड़ो, बहुत से भाई देखो बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं होता छोड़ दो, मगर भाई मैं आपको एक चीज़ यही बता रहा हूँ, आप समझना मेरी बात को, ऐसे छोड़ने में भाई दिक्कत वही होती है, अगर एक बार घुस गया ना बैक्टीरिया तो भाई पता नहीं कितने कबूतरों को खा जाए, तो इसलिए आप बारीकी से ध्यान रखें इसे, ठीक है भाई। भैया देखिए छतरी पे लाके बिठा लिया है बच्चा हमने, अब इसे लॉफ्ट में छोड़ने जा रहे हैं। हमें भाई छोड़ो इसे लॉफ्ट में, यहाँ पर भी कबूतर नहा रहे हैं, ठीक है भाई। और ये देखिए इसे भी हम छोड़ रहे हैं लॉफ्ट में, कर दो ये छोड़ दिया भाई लॉफ्ट में, ठीक है। बाकी ये कबूतर है कुछ ये बैठे हैं ऊपर, और ये लॉफ्ट में छोड़ दिया गया भाई, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी भाई के यहाँ बीमारी आने से बची रहे भाई। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।